अरवल जिले के करपी प्रखंड के 6 विकलांग लोगों का था, जिन लोगों का विकलांग प्रमाण पत्र नहीं बना था, जिसमें जरा पासवान की समस्या काफ़ी जटिल थी और वो फुलवारी में काम करते थे। इसको लेकर के हमने प्रखंड लेवल पर ये मुद्दा उठाया था और ये लोग जो 6 लोग थे अलग अलग गांव के लोग थे। पटना जा करके फिर इन्होंने वहाँ के डॉक्टरों से जांच कराया, फिर वहाँ से जांच का कागज़ लेकर के फिर पुनः ये अरवल आए। अरवल आ करके फिर हमने इन लोगों का कागज़ फिर अरवल में जाकर के जमा कराया। उसके बाद फिर इन्हें 25 तारीख का एक डेट मिला। डेट पे जब गए तो इन्हें विकलांग प्रमाण पत्र वहाँ पे मिला। वो करपी वीडियो के पास गए थे, वहाँ से कागज़ जमा हुआ, उसके बाद रेड क्रॉस पटना भेज दिया गया उनको, वहाँ बन गया, मिल गया उनको। आज इनका विकलांग प्रमाण पत्र बन गया है, इनका वृद्धा पेंशन की प्रक्रिया भी जारी है और जल्दी वृद्धा पेंशन भी बन जाएगा। अगले बुधवार को वीडियो साहब डेट रखते हैं हर बुधवार को वृद्धा पेंशन बनाने का। तो इन्होंने अपनी कागजी प्रक्रिया पूरी कर ली है और उसके बाद विकलांग प्रमाण पत्र को जोड़ करके इनको पेंशन की व्यवस्था भी वीडियो साहब के माध्यम से करा दी जाएगी। जबकि विकलांग लोग कुछ लोग एक्टिव नहीं भी थे, उसके बावजूद भी हमने विकलांग प्रमाण पत्र बनाने का काम किया और यहाँ के लोग अब भी काफ़ी खुश हैं। और उसमें से 6 लोगों का हमने विकलांग प्रमाण पत्र बनाया था, इसमें 5 लोगों का वृद्धा पेंशन भी बन गया। बुधवार को 6 लोगों का भी वृद्धा पेंशन बन जाएगा। मैं SM जफर, जिला अरवल, राज्य बिहार से, इंडिया अनहट के लिए।